पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत, अखिलेश वखिलेश ने ऐसा लगता है आपको हरवा दिया, ले डूबा आपको कमलनाथ का अखिलेश वखिलेश। जुम करो। देखिए जनता ने जो निर्णय दिया हम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करते हैं। मजा आया। और भाषा सबकी अच्छी रहनी चाहिए, इस भाषा को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि ये एक स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। बात तो सही है। वो अपनी जगह पर है। आज जो जिस तरीके का जनादेश आया इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता पर हमें विश्वास है। हम तेलंगाना में एक बड़ी जीत लेकर के आए हैं, वहां के मतदाताओं को भी हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और जिन लोगों ने हमें विपक्ष में बैठाया है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो, उनके भी सारे मतदाताओं को जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया उनको भी धन्यवाद, और जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किए हैं उसका भी धन्यवाद। लोकतंत्र की जीत हुई। हाँ ये जरूर है, बीजेपी की जीत हुई मान लीजिए। नहीं रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की, थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं बीजेपी जीती है, बीजेपी को तो साधुवाद, इनकी तो आप आज की डेट में नरेंद्र क्या पनौती वाला वार उल्टा पड़ गया, मान लीजिए पनौती कर रहे थे आप। रुक जा। पनौती साबित हुए मोदी क्या बताइए? ये बिल्कुल सही बात है, पनौती तो मोदी साबित हुए, भाजपा के लिए नहीं साबित हुए, हमारे लिए साबित हो गए। सॉरी भाई मोदी पनौती तो साबित हुए ही हुए, लेकिन भाजपा के लिए नहीं हुए भाई, हमारे लिए साबित हो गए, अब हम क्या करें, पनौती तो पनौती। वाह खराब हो जाएगा मैं, वाह अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो ये बात नहीं है, बात मानक भाई बहुत साफ एक चीज समझ लीजिए कि जनता आज की डेट में, हमें नहीं पता बेरोजगारी पर कितनी बात करती है, महिला सम्मान पर कितनी बात करती है। जनता को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो मिसिंग हो रही है हमसे, हम जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपका चाणक्य पोल समझ जा रहा है, आप लोग समझ जा रहे हैं, माई एक्सिस वाले समझ जा रहे हैं, जो चीज वो लोग समझ जा रहे हैं वो शायद हम कहीं मिसिंग है। करेंगे। और मैं फिर से एक बात कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ में लोकसभा के चुनाव की पूर्ण तैयारी करेंगे, बगैर किसी देरी के करेंगे और बगैर किसी अहंकार के करेंगे। हुई ना बात, आखिरी में जो आपने कीवर्ड बोला ना अहंकार, माना जा रहा है यही आपकी हार की वजह है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। अच्छा ये आपका मानना, मैं चाह रहा हूं कोई शेर है क्या आज के दिन के लिए? हमारा तो बड़ा सिंपल सा है, कहते हैं ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हाँ आपकी हार के लिए आपको चाहिए तो वो भी एक छोटी सी बात कह देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चलिए शुरू करते हैं। कहते ना कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ ना, ये अहंकार अति आत्मविश्वास, छत्तीसगढ़ में आपके सारे मंत्री चुनाव हार गए, एक एक मंत्री हार गया आपका। छत्तीसगढ़ में हम अकेले नहीं हारे मानक भाई, छत्तीसगढ़ में तो आप भी हार गए। आपके सारे चैनल वाले हार, चलिए मान लिया, आप मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में अगर, अब ये तो इसका मतलब आप लोग भी अहंकारी हो, अगर भूपेश बघेल को आप अहंकारी कह रहे हो तो आप भी अहंकारी हो, सारे आपके चैनल वाले अहंकारी। नहीं हमारा यही नहीं, अभी और सुनिए, हम केवल एक बात कह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ने तय किया था, जो कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, लालू जी ने, नीतीश जी ने, ममता जी ने, केजरीवाल जी ने, स्टालिन जी ने मिल करके और 28 दलों ने मिल करके जो तय किया था, एक फार्मूला निकाला था। बदल भाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, 1-1 अगर इलेक्शन होगा तो हार सकती है। आप सोचिए कि अगर 1-1 ये मध्य प्रदेश होते या हम कह रहे हैं राजस्थान होते तो हो सकता परिणाम कुछ और होता। नहीं मगर क्यों?